सो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको प्लस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से 9:16 वाला रेशियो सिलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना और यहाँ से क्लिक करके आप अपना फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जी भी फोटो से आप एडिटिंग करना चाहते हो सिंपली आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको फोटो पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना, ठीक है। उसका शेयर वाला आइकन पर क्लिक करना है, करंट फ्रेम इस PNG पे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से आपको थोड़ी देर वेट करना और यहाँ से इसको सेव करना है, फिर बैक आना, इमेज को यहाँ से डिलीट करना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पर जाना, कोई दूसरा फोटो लेना, ठीक है। फिर आप थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम इस PNG पे एक्सपोर्ट कर लेना और यहाँ पर कुछ देर वेट करना है और इस इमेज को भी आपको यहाँ पर सेव करना है, ठीक है। फिर बैक आना, इमेज को यहाँ से डिलीट कर देना और यहाँ से फिर आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना, अब आपको कोई दूसरे इमेज को ले लेना, ठीक है, कोई अपना दूसरे इमेज को यहाँ पर ले लेना। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, फिर शेयर वाला आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम इस PNG पे एक्सपोर्ट कर लेना। तो गाइस, इस तरह से आपको क्या करना होगा, टोटल जो है 3 इमेज को क्रॉप कर लेना है, 3 इमेजेस को, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली सेव करना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आ जाना है आपको चले जाना है अपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक है सीक इफेक्ट और एक है बीट मैप प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप इजीली डाउनलोड कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने बीट मैप प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का लिरिक्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और आगे में कुछ इस तरह से लेयर मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग में आना है, ठीक है, और यहाँ पर जितना भी लेयर दिख रहा है आपको, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर डबल बीट मार्क है, ठीक है, इससे पहले जितना भी लेयर है आपको इस पर क्लिक करना है, कलर फिल पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, और ऊपर से क्लिक करके आपको लाइट मोशन सिलेक्ट कर लेना है और जो भी आपका इमेज रहेगा वो यहाँ क्रॉप होकर आ जाएगा। तो सिंपली आप तीनों में से कोई भी एक इमेज को पहले सिलेक्ट करना और यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये आपका इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर जितना भी आपको लेयर दिख रहा है आपको सिंपली इसी इमेज को ऐड कर देना है सब जगह पे, ठीक है, प्लस पे क्लिक कर देना, ऐड हो जाएगा, देखते कुछ इस तरह से। और फिर आपको आगे क्लिक करना है, कलर फिल पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना और फिर उस इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पर क्लिक करना। तो बस कुछ इस तरह से यहाँ पर जितना भी लेयर दिख रहा है सेम यहाँ तक ऐड कर देना है, ठीक है, कलर फिल पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करना और यहाँ से उस सेम इमेज को सिलेक्ट करना, प्लस पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है, जिसके देख पर ऐड हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपको आगे भी कुछ इस तरह से ऐड कर लेना, ठीक है, कलर फिल पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना और जो है सेम इमेज को ऐड करना, प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ऐड करना है, ठीक है। सो फाइनली गाइस, देख सकते हैं यहाँ तक हमारा इमेज ऐड हो गया, ठीक है। अब आपका डबल बीट मार्क आ गया, यहाँ से क्या करना है कि आपको दूसरे इमेज को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और फिर आप जो है सब लेयर में सेम इमेज को ऐड कर देना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पर देख सकते कोई दूसरा इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसका जितना भी लेयर मिलेगा यहाँ डबल बीट मार्क इससे पहले सब में सेम इमेज को ऐड कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, कलर इन फिल पर क्लिक करना, टेक्स्ट पर क्लिक करना, ठीक है, और उसी जो इमेज को हमने सिलेक्ट किया था सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इमेजेस को ऐड करना है और आगे में भी कुछ इस तरह से ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। सो फाइनली गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सब इमेज ऐड हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से पूरे लेयर में। आपको भी कुछ इस तरह से कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है और आपको चले जाना है अपने सीक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना, दोनों लेयर पर सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर्स कर देना, ठीक है। फिर बैक आना और बीट मैप प्रोजेक्ट पे जाना और प्लस पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना, ठीक है। उसका देख सकते पूरा एंड तक कुछ इस तरह से आपका ये सेट हो जाएगा। तो फिर जिस तरह से मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो बिल्कुल सेम बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, शेयर वाला आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, आपका वीडियो यहाँ पर ईजिली एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।